अनन्या yeah. आप एक्टिंग हाँ. के अलावा और किस किस में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं. हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट. शो वेरी नाइस. ओ नॉट बैड. आई डिड इट. रुको जरा, सब्र करो. म्यूजिक तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रगल की जिसको देख के आपके हर अंग से पानी निकलेगा लेकिन आंखों से नहीं. तो दोस्तों रिव्यू देखने के बाद आप कहने वाले हैं, अरे भाई क्या रिव्यू कर रहे. तो दोस्तों स्ट्रगल कुछ ऐसा है, एक्टर के घर में पैदा होने का स्ट्रगल, धीरूभाई अंबानी कॉलेज में पढ़ाई करने का स्ट्रगल, उसके बाद फॉरेन जाकर ग्रेजुएट होने का स्ट्रगल, स्टार्स के साथ पार्टियां करके और कज्जू हलवाई के बैनर से लॉन्च होकर अपनी पहली फिल्म में इतना हक देना कि भाई दस्त को भी दस्त लग जाए. अरे ये मजाक की बात है क्या इतना हकना? अबे ये स्ट्रगल नहीं है तो और क्या है. वैसे आप जानते ही हैं कि इनके स्ट्रगल को सिद्धार्थ ने राउंड टेबल में बहुत बढ़िया सेविज रिप्लाई दे दिया था. My dad has never been in a dharma film. He never went on coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. And their yeah, own everybody dharma. has their own struggle. Yeah, exactly. Sabka struggle alag hota hai. Yeah. Yeah. But difference yehi hai ki jahan hamare sapne poore hote hain, wahin ka struggle shuru. तो बात करेंगे हम स्ट्रगल की देवी की, या यू कह लीजिए दुनिया के 7.5 अजूबे की. जी हाँ, सही पहचाना आपने, अनन्या पांडे के आने वाली फिल्म की. कल ही मुकेश श्रीधर देख के आया, अभी तक अस्पताल में भर्ती है. साला बॉलीवुड से उसका भरोसा ही उठ गया. तो दोस्तों अगर आपको नेपोटिज्म की दुकान की मिठाई पसंद है तो ये टीजर तो बस आप ही के लिए है. फिर भी देख लेते हैं जेड सिक्योरिटी के साथ. चेकपोस्ट 4 से बोल तो है, चेकपोस्ट 4. अभी अभी इधर से एक लड़का और लड़की भागे टैक्सी में, कैसरी तफड़ा खेला है. काली पीली गाड़ी का नंबर है 6969. ये जो वॉकी टॉकी पे जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो लड़का मैं हूँ. और ये रही आइटम, ये अब उनकी काली पीली. और लफड़ा बोले तो अलग लेवल का होला है. मतलब इसकी माँ का क्या ऊपर का माला खाली है क्या? तू क्या बोल रहा है साला? हाफ ऑर्डर करके भागा है. ए आगे का प्लान क्या है? दो इस टाइप के प्लान होते रहे. पहला सचिन प्लान, बॉलर को चौंकाने वाला चौका. और दूसरा? अपना सहवाग बाकी जो होगा देखा जाएगा. कोई तीसरा प्लान है क्या? वो अपना राहुल द्रविड़ टाइप का सेफ. स्टोरी मकबूल खान द्वारा डायरेक्ट की गई और एक टैक्सी ड्राइवर के इर्द गिर्द है. ड्राइवर के रोल में ईशान खट्टर है एंड एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड की स्टार चंकी पांडे की पूरी बेटी अनन्या पांडे है. ओवरऑल एक नकली एक्शन और टिपिकल बॉलीवुड मूवी दिख रही है. सोशल मीडिया पर फैला हुआ है कि ये फिल्म विजय देवगौड़ा की टैक्सी वाला का रीमेक है. तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है. स्ट्रगलिंग देवी की कृपा से टीजर को भारी मात्रा में ऑलरेडी प्रसाद मिल चुका है, जिसमें अभी तक कुल 1.7 मिलियन डिसलाइक आ चुके हैं. रिपोर्टर अगुन ने फिल्म के डायरेक्टर से रिएक्शन पूछा. आइए डायरेक्टर से जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है. अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे. और ये वाली आंटी ने कुछ ये कह दिया, यार बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें. लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. पीस आउट.